अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ शीर खुरमा। मैंने 1 लीटर दूध ली है, उसको बॉईल करने रखा है। अभी देखिए दूध अच्छी तरह बॉईल आ गया है। उसमें हम डालेंगे दालचीनी और 3-4 इलायची पक्की। इससे आपके दूध में अच्छी खुशबू आएगी, धीमी धीमी सी। इसमें बॉयल आ चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप शक्कर। तक दूध उबलेगा तब तक हम इसका दूसरा प्रोसीजर बना के बताते हैं आपको। इस पतीली में मैं डालूंगी 2 चम्मच घी। आपको बहुत चिकना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये छोटे चम्मच से ये सही है। इतना चम्मच मैंने लिया है बादाम पिस्ता वगैरह, अपने हिसाब से 2-2 चम्मच काजू, 2 चम्मच, 1 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच बादाम, ये 4 उंगली। ये सब दे, घी गर्म हो जाएंगे तो उसमें डाल देने का। ये इसको हल्के हाथों से हल्की गुलाबी करेंगे, चलाना नहीं, हल्का भूनना है। और इसमें सबसे बाद में आप डालेंगे किशमिश, थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। किशमिश से कभी कभी क्या होता है, पहले कैसा किशमिश नहीं आता है तो दूध फट जाता है, इसलिए बाद में डालने का। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे थोड़ा सेव भुनी हुई, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच को एकदम धीमा रखिए ताकि वो जले ना, और अच्छे से थोड़ा हल्का भून लीजिए इसको। ये से बादाम सब भून के हो चुका है, अभी हम गैस बंद कर देते हैं और ये पूरा उठा के वो दूध जो बॉयल किया है उसमें डाल देने का। सब इसमें दूध में मैंने मिला दिया है। अब इसको थोड़े 5-10 मिनट को धीमे आंच पर पकने दें। थोड़े से 3 दाने 2 दाने जाफरान डालिए, चिली पाउडर एंड शक्कर, और दोनों को थोड़ी खुशबू के लिए डालिए। अच्छी तरह उसे चलाएं और 10 मिनट पकने दें ताकि वो सब मिक्स हो जाए, वो थोड़ा सा ठिकरे सा आना चाहिए। ये देखिए अभी मिक्स हो गया है और कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखिए। आप भी बना के ट्राई करें। हम बनाने जा रहे हैं सूखी सेव, उसमें डालेंगे 1 कटोरी घी, 2 से 3 चम्मच बादाम, 2 से 3 चम्मच किशमिश, पिस्ता 4 उंगली। आपको अच्छे से मिला लें, हल्की भुने। ये हल्का अभी गुलाबी हो चुका है, देखिए। अब हम उसमें डालेंगे सूखा सेव। ये देखिए सेव को मैंने अच्छे से चला रही हूँ ताकि वो बादाम पिस्ता घी वगैरह है सब मिल जाए अच्छे से। 5 मिनट हो चुका है भून लिए इसको, उसके बाद हम डालेंगे 1 कटोरी शक्कर। ये मैंने 1 कटोरी लिया है, आप अपने हिसाब से स्वादानुसार डाल सकते हैं। आपको थोड़ा मीठा चाहिए तो ज़्यादा डाल दीजिए। उसको अच्छे से चलाएं। सेव अच्छे से भून चुका है, इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी बॉईल करके। इसमें पानी डालने से थोड़ा सॉफ्ट होता है ये, और खाने में भी आपको टेस्टी लगेगा। अब इसे हम 10 मिनट तवा रख के पकाएंगे दम पे। देखिए इसको इस तरह तवे पे रखेंगे इसको दम पे, ताकि जले नहीं और अच्छे से दम पे लग हो जाए। देखिए अब ये शीर कुरमा अच्छे से बन पक गया है,
देखिए कैसा इतना अच्छा कलर आया है इसका। अब मैं इसको सर्व करके आपको बताती हूँ, आप भी ट्राई करें। देखिए अच्छी तरह हो चुका, मैंने गैस बंद कर दिया है, अभी मैं इसको आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए इसका कलर कैसा आया है, मैंने सब किया है, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए। देखिए अभी शीर खुरमा बनके तैयार हो चुका है, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए। देखिए सूखा सेव भी बनके तैयार हो चुका है, अभी मैं हल्के हाथों से इसे चलाती हूँ और फिर सब करके बताती हूँ आपको। इलायची शक्कर को पीस ले, वो डालने से खुशबू भी अच्छी आती है और खाने में मज़ा आता है। अभी देखिए हमारा सेव बनके तैयार हो चुका है, आप इसे बनाएं और ट्राई करें और कमेंट से मुझे बताएं। ये हमारा ईद स्पेशल ये सूखा सेवई और शीर खुरमा बनके तैयार हो चुका है, आप इसे खाइए, बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइए। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।